एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने शुक्रवार को शहरी क्षेत्र में कोरोना जांच केंद्रों पर ड्यूटी पर लगाए गए लेखपालों और अमीनों के साथ तहसील के सभागार में बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए एसडीएम सदर ने कहा कि जिस कोरोना का जांच कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल वाले 2500 से 4500 ले रहे हैं, उनको सदर तहसील की टीम निःशुल्क करवा रही है। आवश्यकता है कि तहसील कर्मी आशा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर घर घर जाकर लोगों को जागरूक करें, जिससे अधिक से अधिक जांच हो सके। एसडीएम सदर ने कहा कि कोरोना को का एकमात्र इलाज है कि अधिक से अधिक जांच हो, जिसके लिए शहरी क्षेत्र में 22 जगहों पर अलग अलग कैंप लगाकर तथा 5 मोबाइल वैन के माध्यम से जांच कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन लगभग शहरी क्षेत्र में 3000 से 3500 जांच हो रहा है। अब इस लक्ष्य को और ज्यादा करने की आवश्यकता है, जिससे हम कोरोना को हरा सकें। इस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा टेस्ट गोरखपुर जिले में हो रहा है। लोगों से अपील है कि किसी तरह का लक्षण दिखने पर तुरंत जांच केंद्र पर पहुंचकर जांच कराएं, जिससे बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। बैठक में तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित, नायब तहसीलदार सुनीता गुप्ता, राजस्व निरीक्षक प्रद्युमन सिंह, कानूनगो वीर बहादुर सिंह, लेखपाल विमलेश दुबे, राम गुप्ता सहित अन्य लेखपाल व अमीन मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, ये कल जो हमारी टेस्टिंग होनी है 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर शहरी और 5 मोबाइल वैन से 27 जगह पे शहर के विभिन्न विभिन्न कोनों पे टेस्टिंग होनी है। तो टेस्टिंग की लोकेशन कैसे हो, लोगों को क्या क्या बोला गया है, कौन कौन लोग आ रहे हैं, MOIC के साथ डॉक्टर्स के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन किया गया है, आसपास के कौन कौन से लोग उसमें आएंगे, तो उसी संदर्भ में तैयारियों को लेकर बैठक की गई। हमारा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक संख्या में शहरवासी टेस्टिंग सेंटरों पर आएँ और अपनी टेस्टिंग कराएँ। कोरोना का इलाज केवल टेस्टिंग है, जितना जल्दी इसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे उतना जल्दी आइसोलेट कर लेंगे और इसकी चैन को हम तोड़ पाएंगे। तो 27 सेंटरों पर टेस्टिंग होनी है कल, उसकी सूची भी हमारी तहसील सदर फेसबुक पेज से मिल सकती है। ये जांच अभी क्योंकि शासन के निर्देश के अनुसार प्रत्येक दिन हमें अभी जांच करना है, और ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि गोरखपुर ने काफ़ी पिछले दिनों काफ़ी अच्छी टेस्टिंग की है। प्रदेश में हम हाईएस्ट नंबर पर हैं पर डे टेस्टिंग में, और अभी हम इसको और बढ़ा रहे हैं। तो हमारा टारगेट है कि पूरा का पूरा शहर हम कवर कर लें। तो सदर तहसील के द्वारा, सदर तहसील का जो टारगेट है वो ज़िले के टारगेट का लगभग 80% है, तो हम इसको कंप्लीट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो इसीलिए लेखपाल और अमीनों के प्रत्येक दिन हमारी बैठक होती है और अगले दिन की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। आप लोगों के माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि हमारे शहर के सभी जो गोरखपुरवासी हैं अधिक से अधिक संख्या में इन टेस्टों पर निःशुल्क पहुँच कर निःशुल्क अपनी जाँच कराएँ।
जो जांच 4,500-5,000 रुपए में प्राइवेट लैब के द्वारा हो रही है, प्रशासन उसको निःशुल्क करवा रहा है, शासन के द्वारा निःशुल्क हो रही है। तो सभी अधिक से अधिक संख्या में उन टेस्टिंग सेंटर पर जाएं, अपनी जांच कराएं, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अस्पताल जाएं, अपने घर पर भी रह सकते हैं। कोई भी टैबू नहीं है, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। जितना जल्दी आपको पता चल जाएगा उतना जल्दी आपका इलाज बेहतर होगा, उतना जल्दी आप सही हो जाएंगे। प्रत्येक दिन कल हमारा 5,500 के आसपास टेस्ट हुआ था, शहर में लगभग 3,500 के आसपास टेस्ट हुआ था। तो कल भी हमारा टारगेट है कि 3,500-4,000 शहर गोरखपुर शहर में कराएं, और जिले का टारगेट 5,000 से अधिक का है, तो हम ये टारगेट पूरा कर लेंगे।